खड़े हो इस वीडियो के लिए। मैंने देखे कमेंट्स में काफी लोग मेरे भाई जॉब की तलाश में वेले घूमते रहते हैं, तो आज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ मैं फौजी बनने की। अब तुम बोलोगे कैसे, शायद तुम्हें पता नहीं है फौजी बनने की फैक्ट्रियां लग गई इंडिया में आफ्टर जेई एंड दी मॉफर ऑल्सो मोनेटाइज्ड फौज। ठीक है भाई, गुड, कमाओ पैसे। आज की जो वीडियो है ना उसको आर्मी वाला ही होगा भाई लाइक करेगा। तो आज जो हम फौजी फैक्ट्री देखने वाले हैं उसका नाम है इंदौर फिजिकल एकेडमी। यहाँ पे फिजिकल होने सिखाते हैं। सॉरी, ये देखो लड़के कैसे सीख कबाब की तरह लटकाए हुए। वाह, चैनल तो सीरियस लग रहा है भाई। ये इंडियन आर्मी हाइट मेजरमेंट 170 सेंटीमीटर लंबाई। 170 सेंटीमीटर कुछ ज्यादा ही नहीं होगी मतलब। सॉरी, मेरा यूट्यूब ग्लिच कर रहा, रिफ्रेश किया मैंने, थंबनेल अलग अलग लग गया था। ये पैरों में क्यों पड़ा हुआ थंबनेल में? ये एकेडमी में हाइट ज्यादा करवा देते हैं भाई। रुकिए दो मिनट भाई साहब, थोड़ा पे वापस कर दूं। सामने रुको, सामने ओके आ जाइए। कहां के रहने वाले बेटा? मंदसौर। कब भर्ती है? 25 तारीख। कितना टाइम आ रहा है? 4:48। फौजी बेटा। यस जी। का आर्मी स्टैंप लगा दी? फौजी। यस। वाह बढ़िया यार, यहीं से आर्मी में है। पर ये तो मतलब घर में भी हो जाता है, पता लग जाता है कि आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट है। आप पैसे देके क्यों आ रहे हैं अपनी हाइट नपवाने? कि मैथ नहीं आती घर में? घर में इतनी मैथ नहीं आती कि 170 सेंटीमीटर की जरूरत है? भैया ने डंडा लगाया, वहां जाके डंडे पे करनी है हाइट। इसमें ट्रेनिंग क्या हुआ? फौजी है तू, फौजी है। फौजी बन गया। आप क्या सर? मुझे फौजी बनना है। आपकी हाइट कम है लल्ला, क्योंकि मेरी बात सुनो, मैं कर सकता हूँ लेकिन वहाँ पर फौजी भाई नहीं कर सकते। सर मुझे फौजी बनना है सर, बाबू नहीं कर सकते। What is going on? हाँ, अब सर टॉप 10 कीगल एक्सरसाइजेस बताएंगे कैसे 170 इंच का कर सकते हो आप हाइट। पहली बात, अगर इसकी हाइट पहले ही कम थी तो इससे पैसे क्यों लिए? तो पैसे पहले ले लिए इससे है, पहले उधर लगवाना था जब जहाँ आते हैं कि 170 सेंटीमीटर हाइट पहले नंबर रहनी थी। एंड अरे भाई, इसमें पैरों में पड़ने का क्या होगा? हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी। झुकने से हाइट बढ़ती तो सबसे लंबे जापानी लोग होते हैं, वो कोनिचुआ करते रहते हैं ना, कोनिचुआ। जियोग्राफिकल जोक ओनली हैपन ऑन दिस चैनल, सुन रहे भी? वेर आई टीच यू अबाउट कल्चरल थिंग्स एज वेल। लगी है यार, तो मैं आज बढ़ रहा था, मेरे पास नहीं था चैनल देखने का। पता है होती कितनी वैसे 170 सेंटीमीटर हाइट? 5'5"। अरे ये तो बड़ा ही निठल्ला है मेरा भाई। ओ माय गॉड, मैं समझ सकता हूँ मैं, बट 5'5" बहुत छोटी है हाइट। 22 मार्च को मेरी बात, 22 मार्च को टाइम कितना रहा? 4:55। 4:55। क्या लग रहा है आपको? सर मैं फौजी बनूंगा तो सर के यहाँ से मैंने लास्ट ईयर भी मतलब फिजिकल मेडिकल क्लियर किया था 2019 में, और इस बार में मेरी 22 मार्च को भर्ती, और इस बार में मैं फौजी बन के हूँ। तो मतलब पिछली बार नहीं हुआ था सर से, करा नहीं पाए थे सर। वैसे होगा भी कैसे जब चैनल पे सबसे पॉपुलर वीडियो है चटक मटक सपना वायरल वीडियो 52 गज का दामन फौजी भाई का ताबड़तोड़ डांस। ये लड़का तो बिल्कुल रेडी कर दिया आपने आर्मी के लिए, ये वाला तो कर दिया है, इसका हो जाएगा मेडिकल। ये दुश्मन के पैरों के नीचे से निकल जाएगा, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी ना आपने। बहुत सही, बहुत अच्छे लड़के ट्रेन कर रहे हो, बाबत गंज का दामन लीजिए। कितना इनसेन होगा ना वैसे कि आपके पापा ने आपको भेजा है कि आर्मी ट्रेनिंग कर जाके, उधर आपको पता लगता है कि लचक लचक आप में ज्यादा है, आप फौजी नहीं, आप इंदौर डांस अकेडमी के लिए ज्यादा हो। इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट की पूरी जानकारी प्राइवेट पार्ट वाला वीडियो। अरे सर आप तो टोफी पकड़े खड़े हो गए। जय हिंद साथियों, दोस्तों मैं हूं जितेंद्र सिंह परवाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर फिजिकल एकेडमी से। फिजिकल दोस्तों ये वीडियो एकदम प्राइवेट पार्ट पर है, हैं? ये सबकी टी शर्ट उतार क्यों रखी हुई है, मतलब बॉल्स चेक हो रही है सबकी, पता नहीं ये कंसेप्ट ही क्या है। ये अखाड़े के लिए ट्रेनिंग हो रही है मुझे लगता है ऐसे। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैं 3 बार भारतीय सेना का मेडिकल टेस्ट देकर आया हूँ। मेरे सामने एक बंदा का केवल 1% था, वो बंदा मेडिकल टेस्ट से बिल्कुल बाहर हो गया। एक बोल वाले को बाहर कर दिया? तो ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि विरसन वहां पर पकड़ कर चेक किया जाता है इस तरह। भाई डीडी को ना ये करना चाहिए था, इंदौर फिजिकल एकेडमी। अगर डीडी ये कर रहा होता ना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर यहाँ पे बेबी ऑयल निकलेगा तुम क्या सोचोगे? तुम सोचोगे एकेडमी ट्रेनिंग के बाद मालिश होगी, शरीर की मालिश के लिए बेबी ऑयल मंगवाया है। तो यू नो डीडी चोज द रॉन्ग पाथ, पार्टी रूट। हाथों के द्वारा वहाँ पर फौजी भाई ग्लव्स पहन लेते हैं और ऐसे पकड़ कर चेक करते हैं।
कभी आपके विषाण में पानी भरा हुआ है तो दोस्तों आप मेडिकल टेस्ट से बिल्कुल आउट हो जाएंगे। मुझे लगता था ये पेरेंट्स ऐसी गाली देते हैं कि टट्टों में पानी भर गया तुम्हारा, ये सच्ची में होता है। बढ़िया, मतलब अगर ड्रॉट आ गया तब देखना मेरी इम्पोर्टेंस, तब देखना पापा जी इम्पोर्टेंस मेरी, अब ड्रॉट आ गया शहर में। कभी किसी भाई के विषाण छोटे बड़े 21-20 है तो वहां पर फिट हो जाएंगे। मैं आप सभी भाइयों को बोलना चाहूंगा मेरे भी जो विषाण है 21-20 है। इधर सर, इन्हें कैसे पता होगा आपका बड़ा छोटा है, इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी है, जैसी फीस दी वो देख बॉल्स देख, इधर ऐसी कॉक एंड बॉल्स नहीं है तेरी तो नहीं हो रही तेरी सिलेक्शन। और अगर आपकी सर से बड़ी कॉक एंड बॉल्स निकल जाए तो वही फॉर्म फाड़ के फेंक देते हैं, साले मेरे से बड़ी करेगा तू। कभी आपको हाइड्रोसिल वाली प्रॉब्लम है, डॉक्टर की सलाह ले या छोटे बड़े है तो चल जाएगा, लेकिन कभी आपका एक पुरुषण है तो वहाँ पर साथियों आप अनफिट हो जाएंगे। और कभी आपके तीन है, तीन कभी कभी किसी भाई के तीन भी होते हैं, सुना आपने कभी? सुना होगा? नहीं सुना सर। सुना होगा? नहीं सुना सर। आप दिखा दो ना ऐसे करके, ये देखो है तीन, तभी तो एकेडमी खोल रखी है। बाकी जो भी मेरा भाई ये वीडियो देख रहा है जिसकी एक एक बॉल है, वो घबराना मत, हम सभी एक एक बॉल वालों को तीन तीन बॉल वालों से मिलवाएंगे इस चैनल के माध्यम से एंड एक बॉल की डोनेशन करवाएंगे। आपने वो तो देखा होगा बड़ा पंडाल कन्यादान का, हम करवा रहे बिग बॉल दान। बिग बॉल दान 21 दिसंबर, फीस मात्र 2 लाख रुपए, मेडिकल एक्सपेंसेस नॉट कवर्ड, बस मीटिंग एक्सपेंसेस है 2 लाख। बट देखो आर्मी में जाना इज नो जोक, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड इवन आफ्टर जॉइनिंग द आर्मी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो देखो उस पे कोई जोक नहीं है, हम सिर्फ अकेडमी पे हु ही हा हा कर रहे हैं, ठीक है? Okay, it's funny, it's kind of funny, funny videos हैं। चलो कुछ यूजफुल वीडियो देख लेते हैं। केवल एक दिन में शीघ्र पतन से छुटकारा पाए, हाउ टू स्टॉप नाइट फॉल फॉरएवर। ये है ना, पर सर आपने ये अंडरवेयर ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है जैसे डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज आया हो, ये क्या हो रखा है? अब ये ट्रेनिंग से ज्यादा ध्यान नाचने में होगा तो यही होगा नाइटफॉल। नाम है आशिक, ये बाबू किसी लड़की का बहुत आशिक था, आज पूरे बाल काट दिए हैं। चकाचक मामला होना चाहिए, हो रहा क्या है ना, बाद में क्या है, आप भी बनाएंगे वीडियो? हाँ। बना बना बना, घर पे मन पा नहीं था जी। देख रहे हैं आप, ये पेरेंट्स देख रहे हैं, देख लो पेरेंट्स ने बोल दिया अभी हाल ही बाल काटो, आज से डिसिप्लिन स्टार्ट कर दो। बाल काट दिए इसके, आपने ये तो इससे पूछा नहीं इसके एक टट्टे हैं कि दो, कल सुबह ही आए आपने चेक किया इसको तो एक है, फिर फ्री के बाल काट दिए, चूतिया भी काट दिया, अब लग भी चूतिया है देखने में। अकेडमी में ये होना चाहिए कि बच्चा है, हेलो सर गुड मॉर्निंग, टट्टे ऊंचे नीचे हैं, अरे टट्टे बहुत रसीले लग रहे हैं, हाइड्रोलिसिस की प्रॉब्लम लग रही है। ये होना चाहिए पहले, पैसे लेने से पहले ये तो देख लो हाइट है कि नहीं, 170, घोटों में पानी भरा है कि नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना चाहिए कि 170 इंच का है कि नहीं। आटी बैल काट दो, यूट्यूब वीडियो बन रही है वायरल, आशिक के बाल काट दिए। बाइडी बस लड़के का नाम आशिक होता है, क्या नाम रखा है घरवालों ने, वाह। बट अच्छा चैनल है, मैं बताऊंगा एंटरटेनमेंट के लिए देखना है, प्लीज वॉच लाइक हर दूसरी वीडियो। क्या है, क्या हाइट बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ सकती है, वेड वुड वर्ड वुड वुड़ा वुड़ वुड़ा, ये देखो हाइट मेजरमेंट से रह गया। यार कैसे लेट रखे हैं यार लड़के, ये क्या चल रहा है भाई, ग्रेट इंडियन स्नीकर फेस्टिवल। फौजी बनोगे? फौजी बनेंगे सर। बेटा ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, आप मेरे पैर पकड़े लेकिन यहाँ पर आपको अंदर कर दूंगा। ये लंड सलामी देने से हाइट थोड़ी बढ़ेगी, क्या करते हैं ये लड़के बच्चे आके यहाँ पे, ये क्या हो रहा है? आज ये बाबू मेरे पास आया, मेरे जो प्रोडक्टर है इसके बारे में पूरा मुझे ठीक से समझाया। सेकंड बात ये है आयुर्वेद, आज तक मैंने किसी केमिकल का वीडियो बनाया तो उसको आप बताओ मुझे, लेकिन मैंने विश्वास करा है आयुर्वेद पर जी। बेटा बताइए, आप इसको बताइए भैया, मैं बोर्ड के लिए एक्सरसाइज किया, वर्कआउट किया, 10% डाइट। देखो एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, बॉडी ग्रोथ कैसे करेगी जब आप कुछ खाओगे पियोगे, डाइट पर ध्यान दोगे। मैं बोलूँगा इसको लीजिए, इसको लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके साथ में आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना पड़ेगा। अभी तो आपने बोला एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा, इसको लेने से एक्सरसाइज करने से सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी गाइस, इसको लेने से ना आपके टट्टे मुलायम हो जाएंगे। कोई भी चीज दुनिया में नहीं है जो आपकी हाइट बढ़ा दे एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन, जो मेसी ऐसे ऐसे इंजेक्शन लेके चढ़ाता था अपनी टांगों पे। ये पता है दवाई कौन सी है, ये ले गए तो लंड किशमिश बन जाए आपका। अगर आप इसकी 3 टैबलेट्स एक बारी में खा लोगे ना गाइस, मैं बता रहा हूँ आपकी तीसरी टांग निकल जाएगी साइड से, इतनी ज्यादा हाइट बढ़ा देगी आपकी। क्यों पढ़ने दो भाई, मैं पढ़ूंगा भाई, आप कर रहे हो ये ना,
हाइट का रुको देखता हूँ मैं, क्योंकि आज तो किसी से हुआ नहीं बढ़ा नहीं, प्रोडक्ट तो नहीं बताऊंगा, बट इनकी वेबसाइट पे गया, एक जड़ी बूटी का नाम नहीं लिखा हुआ जिससे हाइट बढ़ती है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि बढ़ती नहीं है किसी से। अब तुम्हें क्या लगता है ये खली ने हाइट खाया होगा? यही है पूरे चैनल में लड़के आते हैं उनको अपनी हाइट नहीं पता घर में कितनी है। ये गिठन्ना बहुत हाइट कम है, गिठन्ने अपने घर में हाइट नहीं देख के आया तू? कितनी प्यार से लेटा देखा तुमने, कितने प्यार से लेटा थंबनेल के लिए, क्या बात है यार, थोड़ा और करो। यस यस यस, ये जेस्टी वे में टांगे हिलाने से हाइट खा के इसे पीछे टांगे नहीं सर, आपकी हाइट चेंज बढ़ जाती है, देखो मुझे देखो बढ़ गई ना हाइट। ये इंदौर एक्टिंग एकेडमी खोल रखी है आपने, जहाँ पे हर प्रकार का डांस सिखाया जाता है। हाइट फिर से नपवाना सर, मुझे हाइट नपवाना सर, फिर से साला हाइट आई है लंड थोड़ी है, मूड बना के बढ़ जाएगा पीछे जाके करके जो आया तू, अगर ऐसे हाइट बढ़ती तो सबसे लंबे जेस्टी बॉयज होते हैं। आप भी खाओ कैप्सूल, साइंटिफिकली प्रूवन है, ये देखो मेरी बिफोर फोटो देखो, मैं कितना निठल्ला था, छोटा था, फिर मैंने जैसी कैप्सूल खाई, अब देखो देख रहे हो तुम, ये है कैप्सूल का कमाल। अरे ये कौन सी अब जेडी फिजिकल एकेडमी, अरे कितनी फिजिकल एकेडमी है ये, किसकी कितना देखना बेटे? जी जी भैया, बेटे तेरी हाइट तो है नहीं। अरे नहीं नहीं हाइट तो है नहीं बेटे। अरे 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 तुम सारे ट्यूटर यही सेम वीडियो चेपने लग पड़े एक दूसरे की, इधर छोटे लड़के उधर लेट जा, पैसे दिए फीस दिए पूरी, फीस टाइम पे आ रही है तेरी, हाँ उधर ग्राउंड पे लेट जा, गंदा हो जा पूरा। गाइस बस यार जाते जाते ये बोलना चाहता हूँ, कोई आर्मी वाला ही होगा जो इस वीडियो को लाइक करेगा, और जो इस वीडियो को डिसलाइक करेगा वो पाकिस्तान आर्मी वाला ही होगा। चलो यार बाय बाय, मैंने किसी भी आर्मी वाले को मजाक उड़ाने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी, अगर उड़ा है अगर आपको लग रहा है सॉरी, मैं बस अकेडमी ऊपर हूँ हा कर रहा था, ठीक है, जरा सीरियस मत लेना इन वीडियोस को, ह्यूमर को जिंदा रहने दो।